ठीक है, तो अब आप मेरे एड्स मैनेजर में वापस आ चुके हैं। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले ही जो है एक शॉप फेसबुक शॉप के ऊपर एक कलेक्शन बनाई थी। ठीक है, वो कलेक्शन ऑटोमेटिकली जाकर हमारे पास मेरे कैटलॉग में सेव हो गई थी। अब कैटलॉग क्या होता है वो आप जब एड्स मैनेजर के अंदर होते हैं, आपको दिखा देता हूँ। एड्स मैनेजर के अंदर एक यहाँ पर कोर ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, लेट मी फाइंड दैट ऑप्शन फॉर यू ऑल, कैटलॉग मैनेजर। ठीक है, इसको आपको याद होगा मैंने इसे प्रीवियसली स्किप किया था, वो इसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से स्किप किया था ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो, राइट। तो क्या होता है कि जब मैंने ये शॉप सेक्शन बनाया और अपने प्रोडक्ट्स अपलोड किए तो मेरे पास एक प्रोडक्ट की कैटलॉग बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे मल्टीपल कैटलॉग्स बनी हुए हैं। यहाँ पे एक्सपेरियंस का जो मेरा पेज है उसकी कैटलॉग बन चुकी है। ठीक है, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। और ये मेरे प्रोडक्ट्स की कैटलॉग जो है यहाँ पर शो हो जाएगी मैन्युअली सेटअप हुई हुई। ठीक है, पेज ये रहा, इसने बता दिया कि भाई एक प्रोडक्ट में इशू था, आपको याद है वो कौन सा प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं मैनेज प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा और यहाँ पर वही सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो मैंने अपलोड किए हैं। अगेन, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको शॉप सेक्शन पे सिखाई थी। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके उनका कैटलॉग सेल्स का एड भी जो है वो रन कर सकता हूँ। ठीक है, एडवर्टाइज दिस प्रोडक्ट सेट। ठीक है, तो अब मैं इसको ईजीएस तरीके से कैसे करूँगा, मैं अपने यहाँ पर जाऊँगा पेज के ऊपर, मेरे पास कैटलॉग सेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। क्या कहते हैं, क्रिएट एड्स दैट ऑटोमेटिकली शो आइटम्स फ्रॉम योर कैटलॉग बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस। इसका क्या मतलब हुआ, जब मैंने ये टारगेटिंग का एड चलाया है तो वो लोग जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो उनको वही प्रोडक्ट दिखेगा। इसका ये मतलब है, आपने अमेजोन का दराज के रीटारगेटिंग ऐड देखे होंगे, आपने कोई प्रोडक्ट देखा होगा और आपने उसे परचेज नहीं किया होगा, उसके बाद आप जहाँ जाओगे आपको वही प्रोडक्ट्स दिखते रहेंगे, वो कैटलॉग सेल्स ऐड होता है। अमेजोन हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, ये सारे, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी इन्वेंट्री होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचते, आपको पूरी कैटलॉग दिखाते हैं। कैटलॉग में से भी कौन सा प्रोडक्ट जो आपको पसंद हो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक ढूंढ के आपको दिखा देगा। मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा मुझे वो चीज़ दिखेगी, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आपको वो चीज़ दिखेगी, ये सारा फेसबुक का सिस्टम है। ठीक है, मैंने कैटलॉग सेल्स पे क्लिक किया। कैटलॉग सेल्स पे क्लिक करने के बाद जो है इसने मुझसे सबसे पहले फुर्सत में यही पूछा यार कैटलॉग आपने कौन सी यूज़ करनी है। तो मेरे पास इत्तेफाक से और भी कैटलॉग्स बनी हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्टिंग के लिए इस पेज के ऊपर मैंने एक बियर्ड स्ट्रेटनर का डाला था। इसी तरीके से जो है और भी पेजेस थे, किसी पेज पे चार प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, किसी पे कुछ प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। ठीक है, सारे मैनुअली हम लोगों ने डाले हुए हैं। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सपीरियंस को सेलेक्ट किया, ये सात प्रोडक्ट्स थे, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और टारगेटिंग आप अपने लिहाज से डाल दिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे असल चीज़ क्या आती है, देखें आप, वही सारी चीज़ें आ गई कि यार जो मैंने कलेक्शंस बनाई है मैं उनको सेलेक्ट कर लूँ या सारे प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लूँ। मैंने सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, अब आ जाती है असल लश वाली चीज़। ठीक है, इसको और डिटेल में जानेंगे जब आप जो है फेसबुक रीटारगेटिंग पढ़ेंगे और ई कॉमर्स मार्केटिंग पढ़ेंगे लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये वो आ गई, सही है। अब ऑटोमेटिकली इसने, अब देखें ऑडियंस टारगेटिंग में इसने क्या कहा, इसने कहा क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज़ द सेम ऑडियंस। मेरी मर्जी है, मैं न्यू ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन वो मैंने बना के रखी हुई ऑडियंस, इतनी सी बात है। इसने पहले क्या कहा, रीटारगेट एड्स टू पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट ऑन एंड ऑफ फेसबुक, यानी फेसबुक पर या आपके ब्रांड से रिलेटेड किसी ने आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेक्ट किया है उनको ये एड्स दिखे। इसने बता दिया कि पीपल हु व्यूड एंड व्यूड और एडिड योर एडिड टू कार्ड बट नॉट परचेस्ड। ठीक है, पीपल एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेस्ड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, खाली ऐड किया इन्होंने कार्ट में, इसमें व्यू और ऐड दोनों किया। ठीक है, अब सेलिंग प्रोडक्ट्स का आ गया कि यार रैंडमली किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है तो उसको कोई दूसरा रैंडम अगला प्रोडक्ट दिखा दिया जाए, समझ रहे हैं। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं और किन को टारगेट कर सकते हैं आप यहाँ पे स्पेसिफिकली, ऑब्वियसली अपनी टारगेटिंग कंट्री वगैरह वो भी आप चीज़ें सारी सेट कर सकते हैं। प्लेसमेंट समय सब मैनुअल पे छोड़ दें, मैं आपको बेस्ट तरीके बताता हूँ क्या करें। अच्छा, एक और चीज़ ये तो हो गई रीटारगेटिंग की। ठीक है, किसी ने कोई भी आपके फेसबुक पेज पे आया है उसको आपने ये ऐड पे क्लिक किया, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया और जो है आपका काम हो गया। ठीक है, अगली चीज़ आ गई फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन इफ दे हैवन इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। जब मैंने ये बिजनेस ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली मेरे पास टारगेटिंग करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जिन्होंने जो आपके पेज पर आया और उन्होंने आपकी चीज़ परचेज नहीं करी, ये स्पेसिफिकली अगर आप सेलिंग कर रहे हैं ना तो ये उसके लिए है। ट्रस्ट मी, ये आपकी चांदी कर देगा, ये ऐसी चीज़ है, आपकी चांदी हो जाएगी लिटरली, आप शॉप अपने पास जो भी भले प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है, यह न्यू टारगेटिंग के लिए, ये प्रीवियस पुराने वालों को डिटारगेट करने जिन्होंने आपके बिजनेस से ट्रैक किया। अब ये 7 डेज कर लें, 5 डेज कर लें, 4 डेज कर लें,
ठीक है, प्लेसमेंट्स वही ऑटोमेटिक है, डेली बजट आप अपने लिहाज से रख लें। किसी भी कैंपेन में आपने पीछे देखा होगा कि मैंने आपको 150 रुपये का बजट बताया रख लो, लेकिन आपने कोई भी ऐड अगर रन करना है तो आपने मिनिमम बजट 200 रुपये का रखना है, ठीक है। 200 रुपये से कम आपने नहीं रखना, डॉलर का रेट अप डाउन हो रहा है और टैक्सेस वगैरह भी कटते हैं जब आप फेसबुक को पैसे पे करते हो कुछ, डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक, तो ये आपने इसी तरह रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बहुत ज़बरदस्ती काम की चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, मैंने आपको ये बता दी, इसको आपने मैक्सिमम तक यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेलेक्ट करके। अब आपको दिखा देता हूँ कि इसकी टारगेटिंग में किस तरह आता है, ये सारी चीज़ें डायनेमिकली सेट होंगी, ठीक है। आप यह देख रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है और यहाँ पे पता नहीं कितनी इसकी वेरिएशन आ रही हैं। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको मैं मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ। शॉर्ट टाइम के अंदर यही इसी तरीके के आपको ऐड दिख रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, राइट। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ अगर मोबाइल न्यूज़ फीड के ऊपर, देखते हैं हमारे पास कैसे आता है। तो यहीं पर ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, डेस्कटॉप पे कर देता हूँ तो डेस्कटॉप पे भी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे इसी तरीके से। जो प्रोडक्ट का नाम है वो शो हो रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस भी हम शो करवा सकते हैं और चीज़ें भी शो करवा सकते हैं। अब आप सोचें ऑटोमेटिकली आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपने सारे अपलोड किए हों और वेबसाइट आपके पास जब होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है आप अपने प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं, राइट। वेबसाइट नहीं है तो भी कर सकते हैं, जो भी है। यहाँ पे मैंने डायनेमिक सेलेक्ट कर लिया, मेरी मर्जी है यहाँ पर आप फ्रंट पे कौन सी इमेज रखना चाह रहे हैं। आप डायनेमिक वीडियो रखना चाह रहे हैं तो खुद ब खुद वो इमेजेस पिक करके आपका काम कर देगी। आप कोई वीडियो पिक करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली तो वीडियो आगे आ जाएगी, कोई इमेज पिक करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगी। अब इसी के अंदर टेम्प्रेरी प्राइमरी टैक्स आ गया था, ठीक है। अब मैंने लिख दिया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, फ्री शिपिंग विद इंजॉय फ्री डिलीवरी, ठीक है। ऐसे ही कर दिया आपने, कुछ भी लिख दिया, आपने देखा होगा और बहुत सारी कंपनीज के ऐसे ही ऐड आपको रिटारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, हेडलाइन में क्या आ गया, हेडलाइन के अंदर ये बॉटम की जगह पर यहाँ पे आप क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं प्लस के बटन पे क्लिक करके आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, चाहे तो प्रोडक्ट का नाम रख लें, चाहे तो आप उसकी प्राइस रख लें, ठीक है। चाहिए तो ये यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस शो नहीं हो रही, लेकिन आई थिंक मैं इसे एक्सपेंड करूँगा जब, तो ये राइट। तो अब मेरे पास प्राइस और ये दोनों चीज़ें एक साथ शो हो रही हैं, बस मैंने एक मिस्टेक कर दी, और से दिखा देता हूँ आपको। और नी सपोर्ट और उसकी प्राइस, एक छोटी सी क्या मिस्टेक कर दी मैंने, मैं यहाँ पे स्पेस देना भूल गया। ओके, तो आई थिंक ये कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। प्रोडक्ट प्राइस को, नेम को मैं स्पेस दूंगा, यहाँ पर स्पेस आ गया। अब मैं प्रोडक्ट की प्राइस दे दूँ, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूँ, तो समझदारी की बात ही होती है, या तो आप नेम दें या उसका प्राइस दें, दैट्स इट। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप दे दें, मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो जिसकी जो जहाँ पे देख रहा होगा उसको वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। और ये शॉप नाउ पे ऑब्वियसली लेके जाएगा, आप इसे चाहें तो सेंड मैसेज पे भी लेके जा सकते हैं इसको। आई थिंक यही दो मेन मेजर ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर। तो शॉप नाउ पे क्लिक कर दें, और जब ये आई थिंक मैसेज आपका आएगा, जब भी कोई क्लिक करेगा तो आपके शॉप सेक्शन पे चले जाएगा और वहाँ पे आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर लेगा। ये मैंने कैंपेन कर दी कन्फर्म। अभी इससे क्या हुआ, आप भले ई कॉमर्स आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, आप वो लोग जिन्होंने आपके साथ इंटरेक्ट किया है उनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं, कुछ भी दिखाना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें कर देगा, कैटलॉग सेल्स का ऐड, ठीक है। ये जब ई कॉमर्स में वेबसाइट जितनी भी कंपनीज है बड़ी बड़ी वो यही ऐड यूज़ कर रही होती है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, वहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें सिंक होती है। सर, आपकी फेसबुक शॉप नहीं होती, आपकी वेबसाइट, आपका फेसबुक पिक्सल इसके थ्रू ऑटोमेटिकली सिंक हुई भी होती है, और उसके थ्रू जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि असल सेल्स का ऐड कन्वर्जन्स का होता है, और रीटारगेटिंग जहाँ पे आप वापस लोगों को वही प्रोडक्ट दिखाते हो वो कैटलॉग सेल्स का ऐड होता है, ठीक है। तो ये फेसबुक शॉप की एक फीचर थी जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको इस ट्रेनिंग के अंदर से मैंने बताया है। मैंने इसको स्पेशली इंक्लूड किया आप लोगों के लिए, जो लोग ऑनलाइन सेलिंग करना चाह रहे हैं, जो लोग अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं बाय लर्निंग फेसबुक मार्केटिंग। सो आई होप अब तक आप लोगों को बहुत मज़ा आया उस ट्रेनिंग के अंदर, हम आगे और भी काम काम की चीज़ें सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड।